मदर थेरेसा लीव सेंट मेरी हाई स्कूल मदर थेरेसा को क्यों सेंट मेरी हाई स्कूल छोड़ना पड़ा और इस तरह से और इसमें क्वेश्चन हैं पाँच छः क्वेश्चन वो आज हम देखेंगे सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वट एक्टिविटीज़ मेरी माध्य थेरेज़ा सो एक्सेप्शनल मदर थेरेज़ा किन कामों की वजह से इतनी ज़्यादा फेमस हो गई गैरमूली जो इसने एक फेम हासिल कर ली मादर क्वालिटीज़ विच वी कैन नॉट गेट फ्राम मार्केट प्लेस मदर टेरेजा के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जो हमको बाजार में पैसों के इवज़ नहीं मिल सकते एंड एक्टिविटीज़ लाइक ऑन द बॉडी जैसे हमने देखा कि वो एक अधमरे इंसान के जिसम पे वो जख़म दो रही है और उसके चेहरे पे ज़रा सी भी एक नफरत हकारत या कोई एक वो बेमज़गी नहीं आ रही है उसकी जो बदबू आ रही है उस बंदे की तो वो काम जो है जो मदर टेरिजा ने कि वो एक अनपर काम है एक गैरमूली काम है जो दूसरा बंदा नहीं कर सकता शी लेफ्टीट बी दैचोड उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इन गरीबों पर लगा दी इन पे सर्फ़ कर दी इनकी खिदमत में गुजार दी और अपनी एक आराम आसाइश की ज़िंदगी को छोड़ दिया तो ताकि वो कुछ गरीबों के काम आ सके जो अर्थ हैं जो पोरेस्ट ऑफ धरती पे उनके कुछ काम आ सके तो ये, एक काम है. ये कुछ ऐसे काम थे जिनकी वजह से मदर टेरिजा एक आउटस्टैंडिंग एक एक मामूली शख्सियत के तौर पर सामने आ गई द सेकंड क्वेश्चन इज वाई डिड मदर थे मदर को क्यों सेंट मेरीज हाई स्कूल छोड़ना पड़ा Mother Teresa, when she was traveling in a शी heard इन ट्रेन telling हर दैट नाउ शी मस्ट लीव द convent. मदर टेरेसा एक दफ़ा ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो उसी टाइम उसने एक आवाज़ सुनी जो उसको कह रहा था कि दैट नाउ यू हैव टू लीव दिस कॉन्वेंट एंड हेल्प द पोअर बाय लिविंग विद दैम आपको ये स्कूल अब छोड़ना है वहाँ से रुखत होना है और गरीबों की खिदमत करनी है और उनके साथ ही रहना है मदर voice as an order from God. मदर टेरेजा ने इसको एक अहकामिक खुदावंदी समझा जैसे गॉड उसको ये ऑर्डर कर रहा है दे आर फोश लिविंग सेंट मैरीज हाई स्कूल इस वजह से उसके पास अब कोई चारा नहीं था कि वो इस स्कूल को तरक करे वट डिज मदर थेरेजा मीन बाई टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ मदर टेरेजा का इससे क्या मीनिंग था कि अगर वो फेल हो जाएगी तो उसका भरोसा या उसका जो ईमान है अकीदा वो टूट फूट जाएगा द वॉइस डेट मदरजाइल कॉन्वेंट एंड बीम फुलवेंट ऑफ द डाउन ट्रावन मदर टेरेजा ने जब ट्रेन में ये एक आवाज़ सुनी ये एक जैसे उसको एक कोई बुला रहा था तो उसको कमांड कर रहा था कि आप इस कॉन्वेंट को छोड़ो और एक फुल टाइम सर्वेंट बनो पूरा एक टड होल टाइम आप अब यही काम करो सर्वेंट ऑफ द डाउन ट्रॉडम जो गरीब लोग हैं उनकी खिदमत में अपनी जिंदगी वक़फ करो मदर थेरेजा टू किट एज एन ऑर्डर मदर थेरेजा ने इसको एक एक, एक, एक हुक्म के तौर पर लिया शी डिसोबीडियंस एंड ब्रेक फेथ इन गॉड उसने सोचा कि अब अगर इस ऑर्डर को वो कैरी आउट नहीं कर पाएगी इसको इस पर अमल नहीं कर पाएगी <coughs> तो वो डिसोबीडियंस के नाफरमानी के इक्वल मुतरद होगा एंड दैट विल ब्रेक द्वार गॉड और इसका जो रब है खुदा पे एक यकीन है एक ईमान है वो टूट जाएगा वट काइंड ऑफ लाइफ लेट मदर मदर टेरेजा ने किस टाइप की जिंदगी गुजारी एक लाइव लाइफ गुजारी एक अयाश जिंदगी एक सिंपल लाइफ तो मदर लाइफ एंड सर्विस टू लाइफी मदर टेरेजा ने बिल्कुल एक सादा जिंदगी गुजारी एक बाकीजा जिंदगी गुजारी एक गुर्बत में जिंदगी गुजारी एंड सर्विस टू और गरीबों की सेवा की गरीबों की खिदमत की मोहताज मिसकिनों की शी टू लुक लाइक द पुअर इंडियन हु कवर दियर हैड्स बाई द सारी उसने हमेशा अपनी जो अपने जो ड्रेसिंग वो एक आम हिंदुस्तानी औरत हिंदुस्तानी नारी की तरह रखी जो अपने सर पे वो साड़ी डाले रखती है Why डू यू थिंक mother Teresa लर्न टू बंगाली आप क्यों आपको क्या लगता है कि मादर टेरेजा ने किस वजह से ये बंगाली जबान सीखी तो मदर टेरेजा ने क्यों ये बंगाली ज़बान सीखी शी लर्न द बंगाली सो दैट शी कुड स्पीक टू द पीपल वोम शी हैड कम टू सरो उसने ये बंगाली ज़बान इस वजह से सीखी ताकि वो उन लोगों के कुछ काम आ सके उन लोगों से बात कर सके उनके साथ जज्बात को समझ सके जिनकी वो सेवा करने आई हैं वाई वट डेड मेलोकॉलम माट्रज सी ऑन द दटरी ऑफ कलकत्ता जो मेलकोलम माट्रिज uh, था उसने कलकत्ता की गलियों कोचों में क्या देखा हिसा मदर तेरेजा नेलीन ऑन द बॉड हाफ डेड मैन उसने देखा कि मदर टेरेसा एक सिल्म में है एक झोपड़ बस्ती में है और एक अधमरे इंसान के जख्म दो चेहरे पर नफ़रत या हकारत के वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि क्यों, 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 वो आदमी बदबूदार है नहीं बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है ही कोड नॉट आइज उसको अपने इस, इस नज़ारे पे यकीन नहीं आ रहा था दैट कि कोई बंदा ऐसा जो काबिल नफरत हकीर काम ऐसी एक हैप्पीनेस ऐसे एक शांति के साथ ये चीज़ कर रहा हो तो वही चीज़ जो था जो मेलकॉलम मटरी ने फिर इस पर एक बुक लिखी जो फिर पूरी दुनिया में फेमस हो गई सो डियर विवर्स ये यहाँ पे कुछ टेक्स्टल बेसिक क्वेश्चन थे ऑफ द वेरी लेसन ऑफ द दटअर्स बाय प्रोफेसर मोटो तो अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम यहाँ पे कुछ इसमें कुछ फ्रेजेस आई हैं ग्रॉसरी में कुछ वर्ड्स uh, इस्तेमाल हुए हैं दैट वी नीड टू डिस्कस या देखना है फ्लॉक हम कहते हैं झुंड को जब बहुत सारी कोई जानवरों की तादाद भेड़ बकरियों की जो तादाद होती है इंसानों को तो उसको फ्लॉक कहा जाता है तो मूव टुगेदर इन लार्ज नंबर जो काफ़ी तादाद में एक साथ जा रहे हो भीड़ फ्लॉक झुंड स्टैचर मीन्स द गुड ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एक बंदे की जो एक अच्छी रेपटेशन होती है एक इज्जत होती है एक विकार होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक रेपटेशन होती है एक स्टेटस होता है उसको स्टैचर कहते हैं जैसे हमने देखा लेसन में कि मदर टेरेजा का अपना एक स्टैचर अपनी एक रेपटेशन बनी क्वायर मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर इस्पेली इन ए चर्च जो वो गिरजा में चर्च में जो वह लोग होते हैं जो एक वो म्यूजिकल बैंड की सूरत में व रिलीजस जो हिम्स होते हैं या रिलीजियस जो सोलम्स मज़हबी जो उनके वो गीत होते हैं वो गाते हैं प्रेयर तो उसको हम क्वायर कहते हैं चेस्टिटी मीज़ प्योरिटी पाकिजी एफ मीनज रिच जो अमीर रबका होता है बिलोंगिंग टू रिच फैमिलीज़ सलामज मीज़ एंड ओवर क्राउडेड एरिया इन विच द हाउसिंग इज़ टिपिकली इन ए वेरी बैड कंडीशन कोई शहर का एक ओवर क्राउडिड एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी हो जो गुनजान आबादी ए, इलाके होते हैं और जहाँ पर जो हाउसिंग होती है जो उनका रहन सहन होता है मकान होते हैं रिहायशी होती हैं वो बिल्कुल ही एक बैड कंडीशन में होती हैं जो जो बस्तियाँ होती हैं एंड देन देयर इज़ फेल फील थी मीन एक्सट्रीम डर्ट जो इंतहाई वो कोई चीज़ गंदा हो गंदगी अपॉलिंग मीन इज़ वेरी बैड मच एक्सपेक्टेड किसी चीज़ की जब कोई सूरत या उसकी जो कंडीशन हो वह बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा एंड दैन दे आर एज सिटिंग मीन एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट टू स्मेल जो बहुत ज्यादा एक बदबूदार एक uh, वो होती हैं स्मेल तो नाकबले बर्दाश्त टू हैव एन एक्सट्रीमली पीपल इन प्लेस एक जगह बहुत सारे जब लोग जमा हो जाए किसी काम के लिए तो उसको टीमिंग कहा जाता है जस्ट लाइक ए टीम जैसे एक टीम जमा होता है जब कोई खेल खेला जाता है सो योर से यहाँ पे कुछ टेक्चुअल क्वेश्चन थे और ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स थे जो आज हमने डिस्कस कर ले इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू डिस्कस द लैंग्वेज वर्क एंड दिस टू फिल दिस ब्लैंक्स मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो द राइटिंग वर्क अगली वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर आपको ये लेसन समझ आई हो और जो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं ये समझ आए हो तो इसको ज़रूर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू